सोलन में नव नियुक्त एपीएमसी के चेयरमैन संजीव कश्यप ने प्रेस वार्ता की अध्यक्षता की और सब्जी मंडी में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोलन की सब्जी मंडी को हिमाचल की मॉडर्न मंडी बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है। किसानों का शोषण न हो इसके लिए एपीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। सोलन सब्जी मंडी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएं इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से आने वाले किसानों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। एपीएमसी के चेयरमैन संजीव कश्यप ने कहा कि सोलन की सब्जी मंडी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है और यही सोलन सब्जी मंडी के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में वर्ल्ड बैंक केवल सर्वे कर रहा है लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सोलन की सब्जी मंडी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए तो वह इतनी समर्थ है कि अपना विकास वह खुद कर सकती है। इसीलिए मुख्यमंत्री को भी निवेदन कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि वो उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। विकास कार्यों की जो है डेवलपमेंट के काम के लिए जो है जो वर्ल्ड बैंक है उसका प्रोसेस चल रहा है। उसमें जो है दो मंडियां सोलन एपीएमसी की सोलन और परमाणु टर्मिनल मंडी वो वर्ल्ड बैंक के अंदर चिन्हित की गई हैं। उसकी वजह से जो है वहां पर जो है हम जो है विकास के कार्य जो है अपने लेवल पर एपीएमसी अभी नहीं कर पा रही है। तो आज हमने अपनी मीटिंग में प्रस्ताव पास किया है और अपने प्रदेश के बोर्ड को और प्रदेश की सरकार को उसके प्रस्ताव की कॉपी हम भेजेंगे कि इन मंडियों में जो है सोलन और परमाणु की जो टर्मिनल मंडी है उसके अंदर हमारे को बजट का प्रावधान किया जाए ताकि जो है हम डेवलपमेंट के काम और इसकी रिपेयर के काम कर सकें। ई नाम के बारे में मुझे को इतनी जानकारी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारी बैठक के अंदर जो चर्चा हुई उसमें 2,05,00,000 रुपया जो है हमारा जो है 30 अप्रैल से लेकर आज तक जो है उसका हमने ट्रांजैक्शन की है।